नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं ओनो स्टडी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम हैं मुखर्जी नगर में और मुखर्जी नगर में हम सबसे वीआईपी लाइब्रेरी में आज आए हुए हैं। ये लाइब्रेरी के ओनर हैं, थोड़ा सा भैया से जानते हैं बेसिक परिचय। भैया क्या नाम है? मेरा नाम अंकुर वर्मा है। कहाँ से हैं भैया? मैं बेसिकली अम्बेडकर नगर उत्तर प्रदेश से हूँ। इस जो लाइब्रेरी की जो आपने नींव रखी वो कितनी पुरानी है? ये 2016 से चल रही है हमारी। 2016 से? तो आप जो आपका लाइब्रेरी का नाम और एड्रेस थोड़ा डिटेल में। मेरे लाइब्रेरी का नाम रेडियंट रीडिंग हॉल है और एड्रेस 858 फर्स्ट फ्लोर अपर मुनाफा मार्ट। ये मुखर्जी नगर के मेन मार्केट में पड़ती है जी। और तो आप स्टूडेंट को किस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं यहाँ पे? हम एक्चुअली पीसफुल इन्वायरमेंट, साफ़ सफाई, इंटरनेट, वाईफाई, मैगजीन्स, इन चीज़ों को बेसिकली इन्हीं पे फोकस रखते हैं। न्यूज़ पेपर हो गए, बाकी और भी हैं कुछ बरसात में। हम भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपने साथ के लोग हैं जितने लोग, कोचिंग वगैरह से भी कई परिचय होने पे मतलब जो अपनी तरफ से हो सकता है उतना सपोर्ट करते हैं। जैसा कि सर ने बताया कि आप लोगों के लिए करंट अफेयर का इश्यू, मैगजीन्स, वाटर, कूलिंग, सिटिंग अरेंजमेंट और प्लस में गाइडेंस। भैया खुद यूपीएससी की तैयारी करते हैं, अगर किसी स्टूडेंट को फ्रेशर है, बिगिनर है, तो खुद को भैया उसको खुद से गाइड करते हैं। और एक चीज़ और जानना चाहूँगा भैया मैं इस लाइब्रेरी के बारे में कि फिलहाल में अभी इसमें से कितने सिलेक्शन हैं आपके अकॉर्डिंग? यूपीएससी तो सही बताएं तो एक दो सिलेक्शन ही रहे हैं, और अदरवाइज स्टेट में, और कभी लास्ट टू लास्ट जब दिल्ली जज का एग्ज़ाम आया था वनडे में काफ़ी रहे हैं। अभी कुछ बच्चे अंदर पढ़ भी रहे हैं जो सिलेक्शन होने के बावजूद, अदर कुछ 80 में सेलेक्ट होकर यूपीएससी की भी कर रहे हैं। हाँ, आपके सामने भैया भी हैं अभी। मैं थोड़ा सा डायरेक्ट स्टूडेंट्सों से ओवरव्यू लूँगा कि किस तरह की लाइब्रेरी है, किस तरह का एनवायरनमेंट है और कितने घंटे के लिए खुलती है, क्योंकि ओनर ओनर होता है, स्टूडेंट स्टूडेंट होता है। चलिए स्टूडेंट से थोड़ा सा जानते हैं। हाँ, तो हमारे साथ में ये सीनियर सर हैं, थोड़ा सा इनसे जानते हैं। ये यूपीएससी के सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम आदित्य पटेल। सर आप इस लाइब्रेरी में कब से स्टडी कर रहे हैं? मैं पिछले 3-4 महीने से कर रहा हूँ इस। सर किस तरह का इन्वायरमेंट है, पीसफुल इन्वायरमेंट है या फिर कोई डिस्टर्बेशन होता है? नहीं, बिल्कुल डिस्टर्बेंस नहीं है और बच्चे भी मतलब अच्छे लोग हैं सारे। कोविड की गाइडलाइंस का इस लाइब्रेरी में फॉलो किया जाता है? हाँ बिल्कुल, अभी तक जो भी गाइडलाइन आई है मुझे तो लगता है सारी फॉलो हो रही है। सर मैं थोड़ा सा आपके बेसिक परिचय पर प्रकाश डालना चाहूँगा कि आप सर बता रहे हैं कि आप यूपीएससी सिलेक्टेड हैं, सिर्फ सन बता दीजिए, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं। 2016 एग्ज़ाम, 17 बैच। 2016 के जो एग्ज़ाम था और 2017 का जो बैच है उसमें सेलेक्टेड हैं, और भैया इसी लाइब्रेरी में रहकर अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते हैं। क्या भैया 24 आवर खुलती है 12 आवर्स के लिए? 24x7। चलिए दूसरा थोड़ा सा सेकंड भैया से हम जानते हैं कि किस तरह का इन्वायरमेंट है, किस तरह की फैसिलिटी है, वो थोड़ा भैया को जाना भी है जी। आपका शुभ नाम भैया? मेरा नाम विशाल बत्रा है। आप क्या करते हैं? मैं CGL की तैयारी कर रहा हूँ, SSC CGL की, और साथ में अनअकैडमी एजुकेटर भी रह चुका हूँ, डाउट क्लियरिंग एजुकेटर भी हूँ, और यहाँ पर साथ साथ पढ़ाई भी करता हूँ और उधर टीचिंग भी करता हूँ। यहाँ पे मैनेजमेंट है, भैया हैं, ओनर हैं, किस तरह के बिहेवियर है? कोई स्टूडेंट को सपोर्ट करना हो किसी भी चीज़ को लेकर, अगर फीस 1-2 दिन डिले होती है तो क्या सपोर्ट करते हैं या अग्रेसिव दिखाते हैं? बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, बहुत ही अच्छा इनका बिहेवियर, बहुत अच्छा है। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर बाई चांस बच्चों की फ़ीस डिले हो जाती है तो कुछ नहीं कहते हैं। दूसरी बात यह कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए कॉम्प्रोमाइज़ भी बहुत करते हैं। कि अगर किसी दिन हो सकता है कि 24x7 भैया नहीं है, फिर भी लाइब्रेरी खुला है? बिल्कुल लाइब्रेरी खुला रहता है, क्योंकि बच्चे भी बहुत अच्छे यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा विश्वास है उन बच्चों पे, तो कोई दिक्कत नहीं आती है। और थोड़ा सा मैं गर्ल्स की सेफ्टी को लेके बात कहूँ कि कोई स्टूडेंट्स होते हैं थोड़ा सा जो मजाके टाइप के होते हैं, हरियाणा इलाके होते हैं, कमेंट करते हैं कि उनको भैया सा थोड़ा सा इन्वायरमेंट बना के रखते हैं स्टडी का माहौल? बिल्कुल CCTV कैमरा लगे हुए हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल पीसफुल एनवायरमेंट रहता है और बच्चे भी काफ़ी समझदार हैं, पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, ऐसा कुछ यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं होता। थोड़ा सा लास्ट ओवर भी हम भैया से और जाना चाहेंगे। भैया आप कब से स्टडी कर रहे हैं? 3-4 महीने हो गए। 3-4 महीने आपने किस तरह का एनवायरनमेंट देखा है? क्या यहाँ पे मैगजीन्स हो गया या न्यूज़पेपर हो गया, इंटरनेट हो गया, वाटर हो गया, ये सारी फैसिलिटी की लाइब्रेरी में नॉर्मली होती हैं, तो किस तरह का एनवायरनमेंट है? फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं यहाँ पे, काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट है, पीसफुल, तभी हम लोग 3-4 महीने से यहाँ बने हुए हैं। और जैसा कि हमारा UPSC का एग्ज़ाम भी आ रहा है तो काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट है, और जो साथ में पढ़ने वाले लड़के भी हैं उनका भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहता है, भैया का भी अच्छा सपोर्ट रहता है। यह इस लाइब्रेरी की सबसे बड़ी मेन बात है ये ऑन मुखर्जी नगर बत्रा वाले रोड पर पड़ती है, तो क्या आपको आने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है? वो सफिशियंट है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही हाईटेक जगह पर है और मतलब काफ़ी पीसफुल इन्वायरमेंट रहता है। और देखिएगा काफ़ी हाईटेक इलाके में होते हुए इस लाइब्रेरी के प्राइजेस आपको लोएस्ट क्वालिटी में देखने के लिए मिलेंगे, जो कि आइए अब थोड़ा सा लाइब्रेरी का हम ओवरव्यू दिखाना चाहेंगे आप लोगों के लिए, किस तरह की लाइब्रेरी है, किस तरह की सिटिंग है और किस तरह के स्टूडेंट बैठ के अपना प्रिपरेशन करते हैं।
तो ये आप ओवरव्यू देख सकते हैं इस लाइब्रेरी का, किस तरह का माहौल है लाइब्रेरी के अंदर का, किस तरह से स्टूडेंट खोल सकते हैं। हालांकि आपको आज ज़्यादा स्टूडेंट देखने के लिए इस लाइब्रेरी में नहीं मिलेंगे, क्योंकि आज का जो दिन है वो 2 अक्टूबर है, और 2 अक्टूबर वाले दिन लाइब्रेरी की आज की छुट्टी है। लेकिन फिर भी UPSC का जिन स्टूडेंटों का 10 अक्टूबर का पेपर है, उनकी वजह से उन्होंने स्पेशली बोल के भैया को ये लाइब्रेरी खुलवाई है, तो उन्हीं के लिए ये लाइब्रेरी खुली गई है। प्लस में यहाँ पर वर्क भी चल रहा है, 2 अक्टूबर की छुट्टी थी उसी के कारण यहाँ पर वर्क चल रहा है। थोड़ा सा ओवरव्यू हम दिखाना चाहेंगे लाइब्रेरी का, आप लोग देख सकते हैं किस तरह से UPSC वाले स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं। और थोड़ा सा भैया से बात करते हैं, भैया आपका शुभ नाम? अमित दुबे। आप किसका तैयारी करते हैं? UPSC की तैयारी कर रहा हूँ। अभी फिलहाल में कौन सा अटेम्प्ट है? अभी मेरा पहला ही अटेम्प्ट है। जी, किस तरह का एनवायरनमेंट आपको लाइब्रेरी में देखने को मिलता है और क्यों आप लाइब्रेरी ज्वाइन? यहाँ पे काफ़ी पीसफुल एनवायरनमेंट है और यहाँ पे मतलब अच्छी सी पढ़ाई हो जाती है। क्या कारण क्या है लाइब्रेरी ज्वाइन करने के? क्या रूम पर पढ़ाई हो नहीं पाती? नहीं, ऐसा नहीं है, रूम पर भी पढ़ाई हो जाती है, बट थोड़ा सा आलसपन लगता है रूम पर, इसी वजह से लाइब्रेरी में थोड़ा सा डेडिकेशन बना होता है इसी वजह से। देख सकते हैं आप लोग, कोविड की गाइडलाइंस का बहुत अच्छे से ख्याल रखा गया। प्लस में आज तो आप इस लाइब्रेरी की छुट्टी थी, लेकिन UPSC वालों के लिए स्पेशली यहाँ पर खोला गया है। तो आइए थोड़ा सा और अभी भी आप लोगों को दिखा सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा, इधर ला के दिखाइएगा थोड़ा सा। ये फर्स्ट आप लोगों की सीट ये हो जाती है। थोड़ा सा मैं आप लोगों को बैठ के और पढ़ के दिखाता हूँ कि किस तरह से मैं पढ़ सकता हूँ यहाँ पे बैठ के। देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे बुक्स और नोट्स आप रख सकते हैं। अगर आपकी ज़्यादा बुक्स हैं, लैपटॉप है, पानी की बोतल है, खाने का सामान है, तो आप ऊपर वाली रैक पे अच्छे से रख सकते हैं। ये आप लोगों को रखने के लिए सफिशियंट जगह दे रखा है, स्पेस बहुत ज़्यादा। और इस लाइब्रेरी में आप लोगों को लॉकर की फैसिलिटी भी देखने के लिए मिल जाएगी। लॉकर की फैसिलिटी है, प्लस में आप इस तरह से देख सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना चाहता है तो इस तरह से वो देखिएगा। ये है टीचर्स जूनियर हाई स्कूल और प्रधानाध्यापक, जो भी स्टूडेंट टीचिंग की तैयारी करते हैं वो इस तरह की बुक्स से पढ़ते हैं। और प्लस में ये देख लीजिए, अब सारी बुक्सों का मटेरियल यहाँ पे स्टूडेंट रखे हुए हैं, यहाँ पे बैठ के स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं। ये उनका लॉकर है, अगर कोई पर्सनल लैपटॉप मोबाइल कुछ भी चीज़ रखनी है तो वो अपना लाइब्रेरी में इन लॉकरों में रख सकते हैं। चार्ज का डिस्कशन अभी हम करेंगे भैया से, जो ओनर हैं। एक बार पूरी लाइब्रेरी का ओवरव्यू दिखा दीजिए, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है ये, और यहाँ से बहुत अच्छे ज़्यादा सिलेक्शन देखने के लिए मिलते हैं। तो थोड़ा सा आइए भैया से दो गुफ्तगू करते हैं। तो भैया आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे? ऋषभ। कहाँ से हैं भैया? हापुड़। अच्छा, तो ये आपको लाइब्रेरी जरूरत ज्वाइन करने की क्या जरूरत है, मतलब किस तरह से, क्या रीजन है लाइब्रेरी ज्वाइन करने का? स्टडी अच्छी हो जाती है। स्टडी अच्छी हो जाती है। इस लाइब्रेरी का कैसा एनवायरनमेंट है? यहाँ पे लॉकर की फैसिलिटी है, बुक्स ऊपर रखने की फैसिलिटी है, और एक तरह से सिक्योरिटी का क्या सिस्टम है यहाँ पे कि आप अपना लैपटॉप छोड़ के जा सकते हैं? भैया सिक्योर रखते हैं? हाँ, यहाँ पे सब चीज़ सिक्योर रहती है। ऐसा कोई केस आपने देखा है कि कोई चीज़ आपकी गायब हुई हो? नहीं, कभी नहीं। अच्छा, पूरी फुल तरह से सिक्योरिटी भैया की जिम्मेदारी है। अगर आप लाइब्रेरी के अंदर हैं तो भैया की रिस्पांसिबिलिटी, अगर आप लाइब्रेरी से बाहर हैं तो वो आपकी रिस्पांसिबिलिटी है। जी, अक्टूबर है, आज के दिन लाइब्रेरी बंद है, लेकिन फिर भी UPSC वाले स्टूडेंटों के लिए भैया ने आज स्पेशली खोल दिया, क्योंकि उनका मात्र 6 और 7 दिन उन लोगों के एग्जाम में बचे हुए हैं। उसी अकॉर्डिंग थोड़ा सा एक और ओवरव्यू दिखाना चाहेंगे। आइएगा, एक मिनट के लिए ये सीट हम दिखाना चाहेंगे। देखिएगा, ये UPSC की प्रिपरेशन भैया किस तरह से करते हैं आप लोग देख सकते हैं। पूरा बायोडाटा मैप लगाया हुआ है भैया ने। एक बार थोड़ा सा भैया की टेबल को दिखाइएगा, किस तरह से भैया अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखते हैं, ये आप देख सकते हैं। बायोडाटा भैया ने एक एक चीज़ को नोट पैड की तरह, एक शॉर्ट नोट्स जिसे आप स्मार्ट वर्क एक कुछ शब्दों में बोल सकते हैं, वो स्मार्ट वर्क किस तरह से हो सकता है आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसको बोलते हैं क्विक नोट्स। आप अपनी 2 सेकंड में, 10 सेकंड में या 1 मिनट में उनको रिवाइज कर सकते हैं एक टॉपिक को। भैया थोड़ा सा आपका 2 मिनट लेना चाहेंगे। आपका शुभ नाम? चंद्रकांत यादव। चंद्रकांत यादव। कहाँ से हैं भैया? अयोध्या से। थोड़ा सा उधर देखिएगा, अयोध्या से हैं। कितना समय हो गया आपको इस लाइब्रेरी में? अभी तो मैंने जल्दी ज्वाइन किया है यहाँ पे, 1 महीने हुए। अच्छा, तो एक चीज़ मैं आपसे फिर रिपीट क्वेश्चन करूँगा कि लाइब्रेरी में क्या प्रॉफिट होता है स्टडी करने के? कंसंट्रेशन बना रहता है, और क्या फालतू की चीज़ों में दिमाग नहीं आपका जाता है, आप इधर उधर चीज़ों में नहीं जाएगा, फोकस स्टडी होती है। और क्या लाइब्रेरी में कौन कौन सी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करा जाती है जो आपके रूम पे अवेलेबल नहीं होती? सारी चीज़ें हैं पढ़ाई के लिए जो जरूरी है, वो सब कुछ है। ठीक है, अच्छा एनवायरनमेंट है, इधर लॉकर की फैसिलिटी है, बुक्स रख सकते हैं, पीसफुल एनवायरनमेंट है, एसी है, सब कुछ है। न्यूज़पेपर आता है यहाँ पे? हाँ, सुबह आता है। चलिए भैया, आप अपनी स्टडी कीजिएगा। थोड़ा सा आप टेबल को अगर दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं अच्छी तरह से। एक टेबल तो है, प्लस में ऊपर आप लोगों को बुक्स रखने के लिए काफ़ी सफिशियंट जगह और स्पेस आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। तो अभी थोड़ा सा स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, इस वजह से हम ज़्यादा ओवरव्यू नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन आप लोग देख सकते हैं 2 अक्टूबर के बावजूद आज लाइब्रेरी सारी बंद है, लेकिन फिर भी भैया ने खोला है ओनली फॉर UPSC स्टूडेंट के लिए। हाँ, आइए थोड़ा सा भैया से जानते हैं। भैया आपका गगन नागर। मेरे को पता चला आप UPSC में
नहीं, मैं दिल्ली पुलिस में हूँ। कौन से बैच में भैया? 2018 में आप सेलेक्टेड हैं। आपने ये लाइब्रेरी ज्वाइन किया, कितने साल हो गया? मेरे को करीब 3-4 साल हो गए। आप क्या मतलब लीव पे चल रहे हैं या? नहीं, एक्चुअली मेरी ड्यूटी में अभी आवर्स की ड्यूटी चल रही है नाइट की, तो डे में आ जाता हूँ। ये देखिए डेडिकेशन, इसे बोलते हैं। भैया कितना सपोर्ट करते हैं आपकी? अब भाई बहुत सपोर्ट करते हैं, हर चीज़ की फैसिलिटी देते हैं वो। अच्छा, आप डे में ड्यूटी करते हैं दिल्ली पुलिस? नाइट में ड्यूटी करते हैं, डे में लाइब्रेरी करते हैं, मैनेज कर लेते हैं। तो आप तो एक इंस्पायर का काम करोगे स्टूडेंट के लिए, मोटिवेशन का काम करेंगे, तो थोड़ा सा अपने बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताइए, 2 मिनट का समय। हाँ, लाइक एक्चुअली मैंने ग्रेजुएशन 17 में हुई थी, तो मैं प्रिपरेशन कर रहा था SSC के लिए, CGL CPU के लिए। देन मेरा सिलेक्शन, मैंने एग्ज़ाम दिया और यह मतलब हाँ एक्ट ऑफ गॉड मतलब कह सकते हुए मेरे किस्मत ही कि मेरा सिलेक्शन इसमें हो गया। देन फिर मैं वहाँ ट्रेनिंग पे गया, और ट्रेनिंग के बाद मैंने 19 के लिए तैयारी करी, लेकिन शेड्यूल जो था जो काफ़ी बिजी था, उसकी वजह से मैं प्रिपरेशन नहीं कर पाया। अब मेरी ड्यूटी मैं मैनेज कर रहा हूँ, और मैं देन अगेन आगे के लिए फर्दर। अब क्या चाह रहे हैं आप, कंधों पे स्टार बढ़ाना चाह रहे हैं या अशोक स्तंभ के चक्कर में? नहीं, अभी तो सर कंधों पे स्टार ही बढ़ाने के लिए। हाँ, स्टार बाइज के बाद में आप वहाँ पर भी नहीं रुकेंगे, फिर अशोक स्तंभ की तरफ? जब तक सर्टिफिकेशन नहीं होगा तब तक नहीं रुकना। आपका टारगेट UPSC की तरफ बढ़ता है, इसलिए UPSC के लिए। तो ये भैया का ओवरव्यू था। भैया ने बताया कि आपको अगर गवर्नमेंट जॉब मिल भी जाती है तो आप जीवन में कभी भी उसको सेटिस्फाई ना हो, प्लस में ये चीज़ रहता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपके हार्डवर्क करने की क्षमता है तो आप UPSC को चुन सकते हैं। थैंक यू भैया, आपका आपको 2 मिनट दिया हमारे लिए, थैंक यू सो मच। तो ये आज का ओवरव्यू था। आप लाइब्रेरी देख सकते हैं, किस तरह का एनवायरनमेंट है, लॉकर के। आइए तो आप थोड़ा भैया से जानते हैं। भैया, आप फाइनली प्राइजेस के बारे में, कोई स्टूडेंट अगर न्यू स्टूडेंट आता है या वीडियो के माध्यम से आता है, किसी भी माध्यम से आता है, आपकी लाइब्रेरी ज्वाइन करता है, तो क्या प्राइजेस रहेंगे? 6 आवर का क्या प्राइजेस? 6 आवर का वैसे 1000 है, लेकिन स्टूडेंट है कई बार बहुत नीडी हो जाते हैं, तो उनके साथ समझौता ये हो जाता है कि 6 आवर के साथ पढ़ने वाला स्टूडेंट है तो उसको 2 घंटे एक्स्ट्रा बैठ लेगा। अगर सीटें खाली है तो हम नहीं बोलते हैं उनको, क्योंकि हमारी लाइटें चल रही चाहिए, और अगर वो पढ़ने की ही आया है तो उतना कोऑपरेट करना पड़ता है। भैया ने बहुत अच्छी बात बताई, अगर आप 6 आवर का टाइम लेके आप पढ़ाई करना चाहते हैं, आप सीरियस हैं पढ़ाई के प्रति, तो भैया भी सपोर्ट करेंगे। आप 2 घंटे एक्स्ट्रा पे जाइए, कोई दिक्कत नहीं। अगर सीटें अवेलेबल हैं तो कोई आपको रोक टोक नहीं है। और थोड़ा सा भैया, अगर आने वाले समय में कोई 6 मंथ के लिए या 3 मंथ के लिए एक बार एडवांस पेमेंट करना चाहता है, तो उसके लिए क्या 10% मोस्टली नहीं करते, लेकिन हो जाता है जैसे हुआ उस टाइम अकॉर्डिंग कर लेते हैं। एक स्टूडेंट है, उसकी भी आप लिमिटेशन समझते हैं कि हर मंथ उसको ज़्यादा ही बेटर है, एक लिमिटेड पैसा आता है उसी में उसको सब मैनेज कर रहा है एज ए स्टूडेंट। मैं भी एज ए स्टूडेंट रहा हूँ तो मुझे भी ये लिमिटेशन पता है, तो 3 मंथ और ये लुभावने ऑफर शायद अच्छे लगते हैं, लेकिन उतने मतलब अच्छे आप भी समझते हैं। तो सारा चीज़ बजट का, एक स्टूडेंट आ रहा है अपने रूम रेंट देके, यहाँ देके, ये चीज़ें कर, तो मैनेज करना उसके लिए भी टफ है। बाकी बिजनेस है, जैसे एक हमारी भी एक लिमिटेशन है चीज़ें कि इतने आवर हैं, इन्हीं आवर्स के बीच से हमें रेंट से लेके AC बिजली बिल सब चीज़ें मैनेज करना है, सारी फैसिलिटी दी ने, तो इसलिए भी है कि बहुत ज़्यादा सिर्फ लिबरल बनने के लिए मैं नहीं कर सकता, एक बेसिक तो है, क्योंकि लोग आदत भी बना लेते हैं कई बार। जैसा कि भैया ने बताया आप लोगों के, भैया को आप ओनर ना समझ के एज ए स्टूडेंट की लाइफ में भैया अभी भी अच्छे से झांक के देख सकते हैं कि स्टूडेंट किस किस प्रॉब्लम से फेस करता है। तो आइए लाइब्रेरी ज्वाइन कीजिए, पीसफुल एनवायरनमेंट है, कोई पूरी कोविड की गाइडलाइंस का फॉलो किया जाता है, चाहे वो सैनिटाइजर हो, चाहे वो मास्क हो, और प्लस में चाहे वो सिटिंग अरेंजमेंट में एक स्पेस हो, वो सारी चीज़ों का पालन किया जाता है। तो ये आज के इस लाइब्रेरी का ओवरव्यू था। अच्छी खासी लाइब्रेरी इन्हें बोला जाता है, जो कि ये बत्रा सिनेमा के मेन रोड पे पड़ती है। भैया एक बार एड्रेस रिपीट कर दीजिए। 858 फर्स्ट फ्लोर एवं मुनाफा मार्ट, 858 जी, 858 मेन बत्रा वाले रोड पे ये लाइब्रेरी पड़ती है। तो देखिएगा, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच भैया, आपने कीमती समय से हमारे लिए 10 मिनट। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, गुड लक, आप लोग एक अच्छा स्टार्टअप किए, इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं आपको भी। ओके, थैंक यू सो मच। आप लोगों के लिए इजी डायरेक्शन के लिए, सिंपल भाषा में पहुंचने के लिए, ये आप लोग देख सकते हैं, ये बत्रा सिनेमा वाला मेन रोड है जो कि GTP नगर से होता हुआ यहाँ तक आता। अब यहाँ पर अगर इस बिल्डिंग को देखा जाए तो यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है रेसिडेंट रीडिंग हॉल्स, यानी कि रेसिडेंट रीडिंग लाइब्रेरी है जो कि चाचा चौधरी होटल के जस्ट बगल में है, ठीक है ना। यहाँ पे आप आकर, इसके सामने जो है पंजाब एंड सिंध बैंक है जिसके आप लोग स्टडी कर सकते हैं, बहुत पीसफुल इन्वायरमेंट है, आप अच्छे से इसका स्टडी कर सकते हैं, और प्लस में यहाँ से अच्छे खासे सिलेक्शन भी देखने के लिए मिले हैं, और भैया आपको पता है भैया किस तरह का एनवायरनमेंट यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।